स्वागत है आपका केमिस्ट्री मास्टर्स में। फ्रेंड्स, आज हम 1.1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन पढ़ेंगे कीटोन्स में। तो जब भी आप कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन्स में जनरली 1.2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन देखा जाता है। अगर आपको कार्बन कीटोन में 1.1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करना है तो आपको हमेशा पहले कीटोन को एल्कोहल में चेंज करना पड़ेगा FGI के थ्रू। FGI का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप को केमिकल रिएक्शन के द्वारा सेकेंड टाइप के या फिर दूसरे टाइप के फंक्शनल ग्रुप में चेंज करना। तो जब भी आपको कीटोन्स में 1.1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन देख करना है तो आपको उसे एल्कोहल में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो आपके पास कीटोन होगा, कीटोन पे दो एल्काइल या एराइल या फिर एल्काइल एराइल किसी भी टाइप के ग्रुप यहाँ पर जुड़े होंगे। अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है जनरली 1.1 डिस्कनेक्शन तो कीटोन में हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको हमेशा उसे FGI की प्रोसेस के थ्रू पहले अल्कोहल में चेंज करना होगा। और जब भी आप रेट्रोसिंथेसिस में या डिस्कनेक्शन में आप एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर रहे हैं तो आपको कोई केमिकल लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे एरो के ऊपर FGI लिखिए और अपना मन चाह जो भी आपका रिक्वायर्ड चेंज है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन वो चेंज जो लिखा है आपने वो वैलिड होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे किसी भी अननोन फंक्शनल ग्रुप में या फिर अनडिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि कीटोन को आपको 1.1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करने के लिए पहले उसे एल्कोहल में चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसी होल प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आपके पास कीटोन है जिसके साथ की दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। एक तरफ आपको फिनाइल रिंग है लेफ्ट हैंड साइड पे और आपके राइट हैंड साइड पे क्लोरो बेंजीन रिंग यहाँ पे जुड़ी हुई है कीटोन के साथ। तो कीटोन को आपने पहले FGI करना है और FGI के थ्रू से अल्कोहल में चेंज करना है। तो आपका कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होने के बाद आपका जो भी कंपाउंड है अब आपका उस जो अगला काम है वो होगा उस पर 1.1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करने का। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्कनेक्ट करें या फिर राइट हैंड साइड पे डिस्कनेक्ट करें। डिस्कनेक्शन ज़्यादा वैलिड वो होगा जिसके थ्रू जो चार्ज होगा वो ईजली यहाँ पे मेंटेन हो जाए रिंग में। तो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रिंग पे ईजली कंसनट्रेट हो सकता है या ईजली यहाँ पे कह सकते हो कि रेजोनेशन में आ सकता है। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड साइड पे बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो फिर से फिनाइल रिंग पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज भी रिंग में आसानी से ट्रेवल कर सकता है। और ये क्लोरीन जो है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज है वो उस नेगेटिव चार्ज को रिंग में घूमने में और ज़्यादा मदद करेगा या फिर रेजोनेंस में और ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करेगा। तो लेफ्ट साइड पर बॉन्ड को ब्रेक करने से बेटर ये है कि आप उसको राइट साइड पर ब्रेक करें जिसकी वजह से जो आपका मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि आप राइट हैंड साइड पे 1.1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कर रहे हैं जिसको कि आपको रेट्रोसिंथेटिक एरो के ऊपर भी लिखना है। जैसे ही आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन है जो कि अल्कोहल से जुड़ा हुआ है उस पर प्लस चार्ज आएगा और जो फिनाइल रिंग है उस पर उस कार्बन पर जहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कुछ इस तरह से। हमने अपने पहले वीडियोज़ में भी देखा हुआ है कि जब भी आप अल्कोहल के साथ डिस्कनेक्ट करते हैं तो जो भी नेगेटिव स्पीसीज आपको मिलती है आपको उसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज करना चाहिए जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन में एक बहुत ही अच्छा सा आपका रिएजेंट बन जाता है। तो जो भी नेगेटिव स्पीसीज यानी कि यहाँ पे आपका जो जो बेंजीन रिंग है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ आप MgBr या MgCl को ऐड कर सकते हैं। और जो प्लस चार्ज है तो हमने ये भी पहले देखा है कि अगर किसी कार्बन पे अल्कोहल जुड़ा है और उसी कार्बन पे अगर प्लस चार्ज आ जाए तो सबसे बेहतर ये है कि आप उसको कार्बोनिल में चेंज कर दें, यानी कि यहाँ पे जो ये H अगर आप हटा दें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पहले से प्लस चार्ज है तो यहाँ पे आपको एक कार्बोनिल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो आपको अल्कोहल को कार्बोनिल में चेंज करना है और उससे जो अलग हुआ स्पीसीज उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर चेंज करना है जब भी आप अल्कोहल के साथ डिस्कनेक्शन करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आप कैसे कीटोन्स में भी 1.1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन देख सकते हैं अगर आप कीटोन को FGI के थ्रू सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर दें। अब देखते हैं कि इसका सिंथेसिस प्रोसेस कैसे रहेगा।
तो सिंथेसिस में आपके जो लास्ट में दो कंपोनेंट या दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले थे, आप उनकी रिएक्शन कराएंगे। तो दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट थे, एक तो आपका बेंजल्डिहाइड था और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने कुछ इस तरह से दिखाया हुआ, एम जी बी आर पे प्लस चार्ज, मेटल पे प्लस, और जो आपका जो आर ग्रुप है यानी कि यहाँ पे जो अराइल ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल यानी कि ऐसी स्पीसीज जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, और वो हमेशा दूसरी स्पीसीज के प्लस चार्ज या फिर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जो आपका एराइल ग्रुप है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इन टर्न जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो जो फिनाइल रिंग यहाँ पे है क्लोरीन के साथ वो जाके ऐड हो जाएगी इस कार्बन पे, यानी कि कार्बन कार्बन के कार्बन पे, और इन टर्न जो बॉन्ड टूटा है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है उसके साथ एम जी बी आर जाके ऐड हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हमारे पास जो कंपोनेंट था वहाँ पे एम जी बी आर को हटा के आपने यहाँ पे एच लाना है, तो वो आप इजिली एसिड की प्रेजेंस में कर सकते हैं, तो एच प्लस जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ओ एच बनाएगा, और वाटर का जो ओ एच है वो जाके एम जी बी आर में जाके ऐड हो जाएगा, और जो एच प्लस रहेगा वो जो हमने यहाँ कैटलिस्ट यूज़ किया था उसकी तरह वापस बाहर मिल जाएगा, और आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा जिसपे जो आपका कीटोन था यहाँ पे, जो एल्डिहाइड था सॉरी, तो जो एल्डिहाइड था वो चेंज हो जाएगा अल्कोहल में। अब जो हमारा मेन टारगेट मॉलिक्यूल था उसमें अल्कोहल नहीं था, वहाँ पे था आपका कीटोन, यानी कि आपने इस अल्कोहल को कीटोन में चेंज करना है, और अल्कोहल को कीटोन में चेंज करने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस है। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, तो जनरली बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर सकता है उसका आप यूज़ कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लिया हुआ है, तो क्रोमियम जो है जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपके अल्कोहल को कीटोन में वापस चेंज कर देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे हमने अपने टारगेट मॉलिक्यूल को फर्दर सिंपल रिएजेंट्स में ब्रेक किया, और वापस उन रिएजेंट से फॉरवर्ड प्रोसेस में अपना टारगेट मॉलिक्यूल वापस ले लिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप कीटोन्स का 1.1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कर सकते हैं आफ्टर एफजीआई, और पर कन्वर्जन होगा पहले अल्कोहल में और उसके बाद आप उसका डिस्कनेक्शन शो कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा तो आप ज़रूर हमको बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर हमसे हमारे इनबॉक्स पे या फिर हमारे साथ उनको मैसेज कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। थैंक यू।